दोस्तों आईपीएल का 16वां सीजन आज यानी 31 मार्च को शुरू हो रहा है। एक बार फिर क्रिकेट की पिच पर दर्शकों का रोमांच देखने को मिलेगा। इस सीजन में 10 टीमें चैंपियन बनने की होड़ में अपनी किस्मत आजमाएंगी। 2008 में शुरू हुए आईपीएल ने कई खिलाड़ियों को मालामाल कर दिया है, तो आज हम आपको आईपीएल से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 3 खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे। जानने के लिए वीडियो में बने रहें और यदि आपको क्रिकेट का न्यू अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम आता है। उन्हें आईपीएल से सैलरी के तौर पर 173 करोड़ रूपए मिले। इस सीजन में उनकी सैलरी 15 करोड़ रुपए है। कोहली के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। वो 5 शतक और 44 अर्धशतक के साथ अब तक 6,624 रन ठोक चुके हैं। दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल सीजन 2008 यानी पहले सीजन के सबसे महंगे प्लेयर थे। इस सीजन में धोनी की सैलरी 6 करोड़ रुपए थी, जो वर्तमान में 12 करोड़ रुपए है। 2018 से 2021 तक धोनी की सैलरी 15 करोड़ रुपए रही। धोनी आईपीएल से कमाई के मामले में दूसरे नंबर पर हैं और उन्होंने अब तक करीब आईपीएल से 176 करोड़ रुपए कमाए हैं। और इस लिस्ट में सबसे टॉप पर रोहित शर्मा है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आईपीएल में कमाई करने वाले खिलाड़ियों में सबसे ऊपर हैं। रोहित ने आईपीएल में अब तक लगभग 178 करोड़ रुपए कमाए हैं। 2008 में 3 करोड़ रुपए में बिकने वाले रोहित शर्मा की मौजूदा सैलरी 16 करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। बाकी दोस्तों आप इन तीनों खिलाड़ियों में सबसे बेस्ट खिलाड़ी किसे मानते हैं, कमेंट में जरूर बताना।